हेलो सैसी नारी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टूडे हाउ आर यू फीलिंग लाइक रियली मैं हमेशा पूछती हूँ आपसे कि आप कैसा फील कर रहे हैं कैसे हैं एंड आई ऑलवेज मीन इट अपने आपसे ये पूछिए कि आप कैसे हैं अपने आसपास के लोगों से पूछिए कि आप कैसे हैं एंड हेल्प देम इन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन इन अंडरस्टैंडिंग दैम सेल्व या जो भी चल रहा है उनकी लाइफ में आई थिंक वी कैन मेक अ डिफरेंस वेरी स्मॉल डिफरेंस मे बी और मे बी बिग डिफरेंस इन आवर ओन बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चन आज का जो एपिसोड है ये बहुत दिनों बाद आया है एपिसोड 65 फाइव मिड अप्रैल में आया था और आई टुक अ वेरी लॉन्ग ब्रेक फ्रॉम द पॉडकास्ट तो आज के एपिसोड में मैं ये बात करूंगी कि मैंने ये ब्रेक क्यों लिया और इस ब्रेक में मैंने क्या किया क्या पढ़ा क्या सीखा तो चलिए फिर शुरू करते हैं Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy, and a little choosy Bhartiya This is Matri. me, and my guests share karte hai simple practical ideas jo aap easily follow kar sakte hain to get closer to the kind of life you want to live. We talk about careers, self-care, social media tips, parenting, relationships, and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So, my lovely friend. Continue what you're doing and join me in this real talk. So, first of all, let me tell you that I took break. My break started because I got COVID. The last episode, episode 65, I was positive by then, but still I managed to uh, get that episode out. But after that, I took a break. I focused on my health, I read, I ate well, and uh, I came out of COVID, I would say, quite easily. इफ़ यू टॉक अबाउट आवर हेल्थ या फिर uh, बात करें अगर घर के मैनेजमेंट की तो uh, घर भी मेरे हस्बैंड ने अच्छे से मैनेज किया आई वॉज़ इन आइसोलेशन और मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची इधाया वो uh, बाहर रहते थे गेस्ट रूम में रहते थे और खाना बनाना पूरा घर मैनेज करना सिक पीपल के लिए स्पेशली जो कोविड में रिकमेंडेशन होती हैं लिक्विड डाइट एंड ऑल दैट तो उसको सबको मैनेज करना वो सब उन्होंने uh, बहुत अच्छे से किया इनफैक्ट इदाया ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया क्योंकि शी इज़ यूज टू बींग अराउंड मी बींग विद मी शी यूज़ टू क्राई हम लोग वीडियो कॉल्स करते थे बट स्टिल आई थिंक शी अंडरस्टुड शी इज जस्ट फोर उस हिसाब से उसने बहुत अच्छा किया तो uh, जो uh, ये कोविड वाली जर्नी थी येस इट वॉज अ टफ टाइम बट आई डेल्ट विद इट इन अ नाइस वे अगर uh, क्योंकि जब आपको पता होता है कि ये सब कुछ अच्छे से मैनेज हो पा रहा है तो फिर यू फील एट पीस ऑल्सो और हेल्थ वाइज आई वॉज़ फाइन तो uh, मैं क्या करती थी आई यूज़ टू रीड एंड आई यूज़ टू वॉच नेटफ्लिक्स ऑल्सो बट मोस्टली आई यूज टू रेस्ट तो नेटफ्लिक्स पर मैंने कुछ अच्छे शोज़ uh, देखे क्योंकि मेरे बहुत सारे मिस हो चुके थे लाइक इनफैक्ट आई हैडेंट इवन सीन प्रिजटर्लड तो वो भी मैंने देखा और मैंने कुछ अच्छी बुक्स पढ़ी कुछ नया सीखा तो so, uh, उन बुक्स के बारे में मैं बात करूँगी थोड़ी देर में तो अब ब्रेक जो था मेरा आई डिन नॉट इंटेंड टू कीप इट दिस लॉन्ग बट एज़ आई वॉज प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट द पॉडकास्ट अगैन मेरे पापा की काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई एंड इवेंचुअली वी लॉस्ट हिम इन द सेकेंड वीक ऑफ मे और उसके बाद अगैन आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू डू दिस पॉडकास्ट थिंक अपने ब्रेक को थोड़ा और लंबा कर लिया आई कुड नॉट गो टू माई मॉम्स प्लेस आई आई स्टिल एम इन जयपुर रि टू द सिचुएशन सो इट्स बिन टफ But uh, being with Idhaya, being with my husband, and being grateful for what we have has uh, made it a bit easy for us to cope. And again, uh, there was a book which I was already reading, it also helped me a bit in dealing with the situation. फिर अब मैंने सोचा कि चलो पॉडकास्ट uh, स्टार्ट करते हैं जून से आई विल स्टार्ट सो आज जून का फर्स्ट वेंसडे है एंड लिटिल फिक्स पॉडकास्ट इज बैक फॉर यू सबसे पहले जब मैं आइसोलेशन uh, से बाहर आई तो सबसे पहले मैंने अपना क्लाइंट वर्क रिज्यूम कर लिया था द वर्क आई डू एज अ फ्री लांसर सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्क फॉर सम विमेन ऑन्टरप्र्योर ओन ओन ब्रांड्स वो वर्क मैंने शुरू कर दिया था मे के फर्स्ट वीक से ही और स्लोली एज आई एम रीगेनिंग माई स्टेमिना माई स्ट्रेंथ तो अब मैंने अपनी हेल्थ की और अच्छी केयर करना भी शुरू कर दिया लाइक आई वॉज ऑलरेडी ईटिंग हेल्दी आई वॉज नॉट रियली यू नो बींग फिनिकी अबाउट वट आई ईट मतलब हेल्दी बट नॉट अबाउट कैलरी काउंटिंग एंड स्टाफ तो अब मैंने योगा स्टार्ट किया है इस इस पॉइंट uh, पे हेल्थ को अपना अच्छा बना के रखना एक प्रायोरिटी है तो आई एम वर्किंग ऑन इट और साथ ही टू बिसाइड्स फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ एक मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी रही है हमेशा या फिर मे बी आई थिंक लास्ट दो तीन सालों से आई हैव फोकस्ड मोर ऑन इट और अब मैंने लास्ट ईयर थेरेपी ली थी मैंने उसके बारे में एक एपिसोड भी किया था अपनी फ्रेंड निकी के साथ अब मैं फिर से थेरेपी लेने जा रही हूँ एंड इट विल बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपी सो एक बार जब मेरा सेशन होता है सब कुछ होता है और देन आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसिस विद यू एंड आई माइट इवन हैव माई न्यू थेरेपिस्ट ऑन द पॉडकास्ट फॉर यू तो uh, देखते हैं अगर सब कुछ अच्छा जाता है तो डेफिनेटली आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसिस विद यू और अगर अच्छा नहीं जाता है स्टिल आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसिस विद यू विद दिस डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपी सो ये जो सिचुएशन रही लाइफ की इसमें जैसे मैंने पहले बोला कि ग्रैटिट्यूड uh, ने हेल्प की और आई थिंक ग्रैटिट्यूड के ऊपर मैंने ज्यादा फोकस लास्ट ईयर ही शुरू किया मुझे समझ नहीं आता था कि हाउ कैन यू बी ग्रेटफुल ऑल द टाइम एंड स्टिल आई एम नॉट श्योर इट अबाउट इट ऑल द टाइम तो इट हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल uh, होना या उनको अप्रिशिएट करना कितना इम्पोर्टेंट है चीज़ें हैं लोग हैं तो uh, हर सिचुएशन में ऐसा कर पाना टफ़ होता है एंड आई वुड स्टिल से कि आई एम नॉट हंड्रेड परसेंट इन इट हर वर्क बट आई एम लर्निंग और ये जो एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड जिसे बोलते हैं इट हेल्प्स अ लॉट और इस सिचुएशन में uh, मैं अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स और साथ ही अपने जो क्लाइंट्स हैं सोशल मीडिया क्लाइंट्स उन सबके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ बिकॉज एवरी वन हेल्प मी इन डीलिंग विद किसी ने भी मुझसे ये नहीं कहा कि नहीं यू हैव टू वर्क हमारा पेज का वर्क रुक जाएगा या कुछ हो जाएगा कैसे भी करके वी मैनेज एंड वी केम आउट ऑफ इट टुगेदर तो ये जो एम्पैथी वाली फीलिंग है आई थिंक इट हैज़ इंक्रीज इन द रिसेंट टाइम इन अ लॉट ऑफ पीपल एंड इट इज़ इसेंशियल इन दिस टाइम तो वन ऑफ द थिंग्स विच आई वॉन्ट टू फोकस नाउ ऑन इज एम्पैथी ऑल्सो बींग एम्पैथेटिक मे नॉट ऑलवेज कम ईजी बट इट इज़ इसेंशियल और यू नो धीरे धीरे करके आई हैव सीन अ शिफ्ट इन माई बिहेवियर ऑल्सो लाइक मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या बहुत जल्दी आई से एनी थिंग लाइक आई डोंट रिस्पॉन्ड आई मोस्टली रिएक्ट तो उस चीज के ऊपर भी आई एम वर्किंग एंड आई हैव सीन अ डिफरेंस इन माई बिहेवियर तो uh, देखते हैं बिकॉज वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस आई एम ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस तो आई होप कि ये सब अच्छे से जाए और वट एवर आई एम लर्निंग वट एवर आई एम गोइंग थ्रू आई फील दैट इट इज प्रिपेयरिंग मी फॉर समथिंग एज अ पर्सन आई एम बींग अ बेटर पर्सन आई एम ग्रोइंग सो येस आई एम वेरी हैप्पी अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव लर्न एंड आई हैव रियल बिलीफ इन दैम ऑल्सो तो मैंने कई सारी चीज़ें सीखी लोगों से सीखी इंटरनेट से सीखी बुक्स से सीखी और धीरे धीरे उन प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में लाने की भी कोशिश की अब आ, मैंने जो बुक्स पढ़ी थी रिसेंटली मैं उनके बारे में बात ज़रूर करना चाहूँगी बिकॉज दे आर सम रियली अमेजिंग बुक्स एंड आई एम श्योर कि उनकी जो लर्निंग्स हैं उन्होंने मेरे परस्पेक्टिव में और थोड़ा चेंज लाया है और मुझे इम्प्रूव किया है एज अ पर्सन तो आ, जब मैं आइसोलेशन में थी तो आई रेड आई रेड टू बुक्स वन वॉज डेयरिंग ग्रेटली बाय ब्रेने ब्राउन तो ये बुक मैं पहले से पढ़ रही थी बट मुझे टाइम नहीं मिल पाता था और मैं से फिनिश नहीं कर पा रही थी बट आइसोलेशन में आई रेड इट आई फिनिश्ड इट एंड आई लव्ड इट दिस इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग बुक अबाउट एम्पैथी अबाउट बींग वनरेबल अबाउट लव अबाउट स्पिरिचुअलिटी मतलब सब कुछ उन्होंने इतना अच्छे से ब्रेन ए ब्राउन ने प्रजेंट किया है कि आपको कुछ समझ में आता है कि बहुत अच्छे से इन्होंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है और उसका क्या इफेक्ट आता है जो हमारी चाइल्डहुड स्टोरीज हैं या और जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं और उनसे हम कैसे बेटर तरीके से डील कर सकते हैं अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है डेयरिंग ग्रेटली तो प्लीज रीड इट वी ऑल नीड टू बी अ लॉट मोर वनरेबल एंड अ लॉट मोर ओपन अ लॉट मोर एम्पैथेटिक एंड अ लॉट ऑफ अदर अमेजिंग थिंग्स लाइक दिस बुक इज़ जस्ट वंडरफुल दी अदर बुक दैट आई रेड इज़ द फोर्टी रूल्स ऑफ लव बाई एलिफ शफाक सो ये सूफिज्म के ऊपर बुक है और इसमें फोर्टी रूल्स ऑफ लव बताए गए हैं थ्रू स्टोरीज़ uh, इन्होंने एक मॉडर्न स्टोरी को और uh, एक रूमी की स्टोरी को रूमी और शम्स की स्टोरी को साथ में चलाया है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड किया है दिस इज़ अ ब्यूटिफुल बुक मुझे लग रहा था कि मैं ये बुक कैसे पढ़वाऊँगी मैंने ले ली फिर आई वज लाइक इट इज समथिंग वेरी डिफरेंट शायद मैं पढ़ पाऊंगी कि नहीं पढ़ पाऊंगी बट वैन आई स्टार्टेड रीडिंग इट आई वॉज होप दिस बुक इज ऑल्सो वेरी स्वीट आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी इसको पढ़ के तो uh, ये बुक आप पढ़ सकते हैं अगेन दिस इज दिस बुक इज समथिंग विच आई थिंक इस टाइम में हमारी अगेन दिस बुक इज़ समथिंग जो इस टाइम पर हमारी हेल्प कर सकता है तो ये दोनों बुक्स तो मैंने आइसोलेशन में पढ़ी आफ्टर दैट आई गॉट अ बुक कॉल्ड द बुक ऑन द टैबू अगेंस्ट नोइंग हु यू आर सो so, इतना लंबा नाम है इस बुक का एंड इट इज़ रिटन बाय एलन वॉट्स तो ये बुक मेटाफिज़िक्स के ऊपर है फिलॉसफी है इसमें इसमें हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में बात की गई है कि व्हाट ट्रूली ह्यूमंस आर और यूनिवर्स से कितना कनेक्टेड है या कितना सेपरेट है जो हमारे दिमाग में कई बार थॉट्स आते हैं तो uh, ये बहुत अच्छी बुक है और इस बुक को मैंने आई थिंक मे के फर्स्ट वीक में पढ़ना स्टार्ट किया था और इस बुक में जो चीज़ें बताई गई हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मेरी हेल्प करी आ, मेरे आ, पापा की डेथ से डील करने में इसमें कुछ सिंपल चीज़ें भी हैं जो आ, लाइफ को इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ की मीनिंग के बारे में बताती हैं और कुछ आइडिया मिलता है आपको कि हाँ आपका एग्जिस्टेंस का पर्पज़ क्या है मतलब अच्छी बुक है इसको आप पढ़ सकते हैं थोड़ी सी हैवी है पढ़ने में और बहुत पुरानी है लाइक like नाइनटीन में लिखी गई थी तो लैंग्वेज भी शायद आपको थोड़ी डिफरेंट लगे इफ़ यू आर यूज़ टू लाइट रीडिंग लेकिन अच्छी बुक है काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है तो अगर आपको मेटाफिजिक्स इंटरेस्ट करती है या यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग समथिंग लाइक दिस तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं देन द बुक आई रेड इज कॉल्ड साउंड ट्रैक्स द ऑदर इज़ जॉन एकफ ये बुक मैंने ऑडियो uh, फॉर्म में ली थी ऑडिबल बिल पर ली थी और इट इज़ अ वेरी फन लाइट बुक टू ओवरकम ओवर मुझे लगता है कि हमें हम से बहुत सारे लोग ओवर हैं आई एम अ क्रोनिक ओवर तो इस बुक में सिंपल टूल्स एफरमेशन्स छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज़ दी गई हैं टू डील विद ओवर थिंकिंग राइटर का ये बोला है कि जो हमारे दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं नेगेटिव साउंड ट्रैक्स हमेशा चलते रहते हैं हमें पॉजिटिव बातें नहीं याद रहती हैं अपने बारे में नेगेटिव बातें हमेशा याद रहती हैं साउंड ट्रैक्स चलते रहते हैं चलते रहते हैं तो उसको कैसे फ्लिप करना है और जो हमारा साउंड ट्रैक है उसको कैसे पॉजिटिव लाना है उसके ऊपर बहुत अच्छे से बताया है बहुत लाइट बुक है उसने स्टोरीज ज़्यादा बताई हैं और एग्जांपल्स के थ्रू समझाया है बट आई लव दिस बुक एंड आई थिंक कि ये ऑडियो uh, फॉर्म में सुनने के लिए काफ़ी अच्छी बुक है हैवी बुक्स मे नॉट टर्न आउट दैट ग्रेट इन ऑडियो फॉर्म बट दिस बुक इज़ वेरी सूटेबल फॉर ऑडियो फॉर्मेट तो इस बुक में इन्होंने अफर्मेशन uh, को बनाने का एक सिंपल अच्छा तरीका बताया है क्योंकि मेरे साथ क्या होता है कि uh, मुझे अफर्मेशन मुझे समझ नहीं आते वर्क नहीं कर पाते मैं उनको फील नहीं कर पाती तो उसने बताया कि अफर्मेशन क्यों वर्क करते हैं क्यों नहीं करते हैं और किस तरीके से बनाने चाहिए ही इवन गेव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर एवरी स्ट्रैटी ही हैज सजेस्टेड तो वन थिंग दैट टोड आउट टू मी आई वॉज वन अफर्मेशन एंड नाउ लाइक जॉन एक आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड रिपीटिंग इट अगैन एंड अगैन थ्रू आउट द डे द अफर्मेशन इज एवरी थिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी तो uh, ये मैं दिन में कई बार बोलती हूँ जैसे अगर कुछ अच्छा हो जाता है छोटी सी भी चीज़ कि uh, uh, मैं नहाने गई और पानी आ रहा था जबकि बोला गया था कि आज बारह बजे पानी चला जाएगा अपार्टमेंट में तो आई एम लाइक एवरी थिंग इज़ ऑलवेज़ वर्किंग आउट फॉर मी तो uh, इस तरीके से uh, ये जो एक सिंपल सी लाइन है ये हेल्प करती है इन फीलिंग पॉजिटिव और ऑदर uh, ने तो ये भी बोला कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप हमेशा लिखते रहिए अभी मैंने लिखना नहीं शुरू किया है बट uh, इसको बोलने से ही अच्छा लगता है और कई बार कुछ नेगेटिव होता है ना उसी दिन तो आई थिंक बैक टू दिस लाइन और उस दिन का एटलीस्ट हमें याद रहता है कि आज क्या अच्छा हुआ था तो थोड़ी सी आपको सोलेस मिलती है थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ अच्छा भी हुआ था तो इट हेल्प्स और जो ऑर्र ने uh, दस आई थिंक अफर्मेशन रिकमेंड भी किए हैं उनको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं आप उसने बोला है कि आप अपने अफर्मेशन बना सकते हैं वट एवर स्पीक्स टू यू आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छे से बताया लाइक आई रियली इंजॉयड दिस बुक एंड आई टुक अवे अलॉट फ्रॉम दिस बुक सो ये थी मेरी प्रीवियस रीडिंग एंड नाउ आई एम रीडिंग अ बुक कॉल्ड न्यू बिलीवस न्यू ब्रेन इट इज़ बाय लीजा विम बेजर बैर्जर है या बर्गर है आई डोंट नो बट इट इज़ बी ई आर जी ई आर तो अ न्यू बिलीव्स न्यू ब्रेन आपको ये बुक एमजॉन से मैंने ली थी कैंडल पे ली थी और आई हैव स्टार्टेड रीडिंग इट टू डेज़ बैक ये बुक हम ये बुक है न्यूरोस्कल्पिंग के ऊपर न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर कि हमारा जो ब्रेन है Uh, ये कितना प्लास्टिक है इसको हम कैसे मोल्ड कर सकते हैं तो uh, इसमें इन्होंने प्रैक्टिकल मेडिटेशन टूल्स एंड टेक्निक्स भी बताई हैं टूवर्ड्स दी एंड आई थिंक ये बुक uh, बुक प्लस वर्क बुक है अभी मैंने इतना पढ़ा नहीं है उसको तो मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ कि इसमें और क्या दिया है बट इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट ओके इतने दिन आइसोलेशन में रह के और अलग अलग चीज़ें रियलाइज़ करके नाउ आई एम अ डिफरेंट पर्सन नॉट हंड्रेड परसेंट डिफरेंट बट मे बी ट्वेंटी थर्टी परसेंट डिफरेंट एंड इन अ बेटर वे इन अ नाइसर वे तो आई एम एक्साइटेड अबाउट इम्प्लाइंग दीज लर्निंग्स छोटी छोटी चीज़ें इन द इन कमिंग डेज इन वट एवर कम्स टूवर्ड्स मी इन द नेक्स्ट मंथ्स नेक्स्ट ईयर्स तो uh, मेरी जो लर्निंग्स थी उनको इनफैक्ट मैंने अपने लास्ट ईयर ऑफ आइसोलेशन पे अपने जर्नल में लिखा भी था तो दर इज अ लॉट एक्चुअली सो आई विल नॉट शेयर ऑल ऑफ इट नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा एपिसोड बट फ्यू थिंग्स जो मैंने इधर उधर देखी और उनको uh, लिखा है साथ में उसमें से एक चीज़ मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि स्टॉप सींग अदर सक्सेस एज योर फेलियर सो दूसरे लोगों की सक्सेस देख के सक्सेस फेलियर जैसा फील करना इज़ वेरी ईजी फॉर मी मतलब अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अच्छा कर रही हूँ मेरा वर्क अच्छा चल रहा है मेरी पॉडकास्ट अच्छी चल रही है या मेरी लाइफ अच्छी चल रही है बट अगर मैंने किसी और की लाइफ देख ली कि अच्छा उसका और अच्छा चल रहा है उसने कुछ और अच्छा अचीव अच्छा कर लिया तो मुझे लगेगा अरे मैं मुझे तो uh, कुछ भी नहीं आता uh, मैं तो ये भी नहीं कर पाई वो भी नहीं कर पाई मतलब ये फीलिंग मेरे अंदर बहुत जल्दी आ जाती है तो दिस इज समथिंग विच आई हैव टू रिपीट टू माई सेल्फ इन सिचुएशन लाइक दिस बट स्टिल आई कीप ओवर थिंकिंग अबाउट इट आई थिंक इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम माई सेल्फ वर्थ दशूज बट एज आई सेट कि मैं फिर से थेरेपी लेने वाली हूँ एंड आई विल भी वर्किंग ऑन ऑल ऑफ दिस सो स्टॉप सीइंग अदर सक्सेस एज योर फेलियर इज वन ऑफ द थिंग्स विच आई हैव टू फॉलो और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक मिसटेक्स आर ओके एंड एक्सप्रेस लव रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन लाइक रियली एक्सप्रेस इट एंड एक्सप्रेस इट मोर ऑफन Except when you are wrong. It is very tough. But it is important. <laughs> Love with all your heart. Don't take anything for granted. We But So uh, again. It, we have to be very mindful about it. I especially have to be very mindful about it. Be grateful for what you have.

तो नो नेगेटिव सेल्फ टॉक इज़ अ बिग इशू फॉर मी थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी आई विल कॉल माई सेल्फ इट इडियट डि क्यों करा है ऐसा क्या हो गया तुम्हें तो इतना भी नहीं आता इतना भी नहीं कर सकती तो इससे भी बाहर आना है इस पर भी वर्क करना है तो लेट्स uh, सी मुझे लगता है कि 2021 मेरे लिए एक ऐसा ईयर है जिस जिसपे मैं अपने आप पे ज़्यादा वर्क कर रही हूँ uh, मेरा जो प्रोफेशनल वर्क है या फिर मेरी जो पॉडकास्ट है इट इज़ डूइंग गुड बट जो पर्सनल ग्रोथ है आई थिंक आई हैव सीन इट मोर दिस ईयर कंपेयर टू ट्वेंटी ट्वेंटी इट इज़ अ गुड थिंग आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट सो बिकॉज आई नो की जो भी मैं सीख रही हूँ या जो भी मैं कर रही हूँ इट विल हेल्प मी इन द लॉन्ग रन तो आप भी मुझे बताइए कि आपने क्या सीखा स्पेशली इन द लास्ट टू मंथ्स क्योंकि वो सबके लिए टफ रहे किसी की अपनी हेल्थ खराब हुई या किसी के घर में किसी की हेल्थ खराब हुई या फिर वी लॉस समवर्न तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं इट हैज़ बीन अ ड्रामेटिक चेंज इन एवरी वन लाइफ और एटलीस्ट द पीपल आई नो मुझे लगता है कि ठीक है नेगेटिव फील uh, करना बहुत ईजी है आई ऑल्सो फील नेगेटिव फ्रॉम टाइम टू टाइम लाइक हर दिन में कई बार लेकिन uh, उसको उसको फील करना उसे डील करना और उससे कुछ नया सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इट हेल्प्स अस ग्रो एज पर्सन अपने आप पर वर्क करते रहिए अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते रहिए और लिटल फिक्सर्स पॉडकास्ट तो हमेशा की तरह आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता ही रहता है छोटे छोटे तरीक़ों से अपनी लाइफ को और बेटर बनाने की तो हमारे पॉजिटिव मैसेज को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए एट लिटिल फिक्सिस पॉडकास्ट इंस्टाग्राम और फेसबुक पे है तो आप हमें टैग कर सकते हैं इस एपिसोड का स्क्रीन शॉट लेकर डाल सकते हैं अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली कुछ भी हेल्प मिली है इससे साथ ही लिटिल फिक्स पॉडकास्ट को आप अपने फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अब तो आप हमें अलेक्सा पे भी सुन सकते हैं Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Gaana, GeoSound. I mean, जहाँ भी आप अपने podcast अपना music सुनते हैं, वहाँ भी आप Little Fixes podcast को सुन सकते हैं। तो सुनते रहिए Little Fixes podcast को, और हमारा next episode आएगा next Wednesday, and here is someone very special, very tiny. She also wants to say something. Next Wednesday का wait करो, और सदा साथी रहो. Yes, bye.